नमस्कार साथियों, ई मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको बताएंगे राजस्थान की प्रमुख नदी एवं नदी घाटी परियोजनाएं, जो कि साथियों प्रत्येक कंपटीशन की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए साथियों, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले साथियों आपसे नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हम आपको बता देते हैं, उसके बाद साथियों आपसे हम नदियों की चर्चा करेंगे। पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो पांचना सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? करौली जिले में स्थित है। बिलास परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बिलास परियोजना बारा जिले में स्थित है। काली सिंध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। प्रसिद्ध डिगी तालाब कहाँ पर स्थित है? तो टोंक में स्थित है, और डिगी का मेला भी साथ ही टोंक में ही लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है साथियों? राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? रावत भाटा में, कोटा के अंतर्गत साथियों पड़ता है। मेजा बांध कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों के साथियों सीमा पर यह पड़ता है। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कोठारी नदी पर, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। तो मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, और किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा में स्थित है। जवाई परियोजना किस जिले में स्थित है? पाली जिले में स्थित है। तो जवाई परियोजना किस जिले में स्थित है? पाली जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, तो इनमें मोस्ट भीम सागर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। ये मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, आपको इसको ध्यान रखना है। बीसलपुर बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आलनिया बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आलनिया बांध परियोजना कोटा जिले में स्थित है। माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? दौसा में स्थित है। अब बात करेंगे साथियों राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गंभीरी नदी की, तो वे ऊपर साथियों आपके राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाएं और बांध हो गए। अब इसके बाद बात करेंगे साथियों गंभीरी नदी की, राजस्थान की प्रमुख नदियों में बात करेंगे गंभीरी नदी। छोटी सादड़ी उद्गम स्थल है इसका, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ या प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में बहकर चित्तौड़गढ़ जिले में ही बनास में मिल जाती है। यह बनास की सहायक नदी है। इसके बाद बात करेंगे काली सिंध नदी की, तो और नदी हमने साथियों पहले करा दी हैं, बनास हुई, चंबल हुई, लूनी नदी हो, ये हमने पहले करा दिया। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों प्लेलिस्ट दी हुई है राजस्थान की एनसीईआरटी पर आधारित, तो क्वेश्चन नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर दोस्तों आप देख सकते हो। काली सिंध नदी उद्गम स्थल है देवास मध्य प्रदेश, काली सिंध रायपुर झालावाड़ से बिंदा गाँव से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो काली सिंध राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? काली सिंध रायपुर झालावाड़ से बिंदा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। काली सिंध कोटा और बारा की सीमा पर बहते हुए चंबल नदी में कोटा जिले के नौनेरा गांव के पास मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं आहू, परवन और नीमाच। ट्रैक से बात करते हैं तो इनकी ट्रैक है अपनी, ऐसे आहू हो गई, पैसे परवन हो गई और नी से हो गई नीमाच। चलिए नेक्स्ट नदी की बात करते हैं आहू नदी, तो आहू नदी का उद्गम स्थल सुसनेर एमपी से होता है। आहू नदी गागरों के पास काली सिंध में मिल जाती है। गागरों का प्रसिद्ध जलदुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे साथियों परवन नदी, तो परवन नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ी मध्य प्रदेश होता है। परवन नदी फलायता गाँव भारत जिले में काली सिंध में मिल जाती है। पार्वती नदी की बात करते हैं, पार्वती नदी का उद्गम स्थल सेहोर मध्य प्रदेश से होता है। बारा जिले के करियाहट नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। पार्वती नदी
कोटा तथा बारा की सीमा पर बढ़ते हुए सवाई माधोपुर में पलिया नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी में किस स्थान पर मिलती है? पलिया नामक स्थान पर मिल जाती है। प्रभाव वाले जिलों की बात करते तो बारा, कोटा, सवाई माधोपुर इसके प्रमुख प्रभाव वाले जिले हैं। इसके बाद बात करेंगे साथियों बाणगंगा नदी की। तो बाणगंगा नदी अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है, ताला नदी के नाम से जानी जाती है। उद्गम स्थल है जयपुर की बैराट पहाड़ियाँ। बाणगंगा नदी जयपुर जिले में रामगढ़ बांध बना है जो कि जयपुर शहर की जलापूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। तो बाणगंगा नदी पर ही साथियों आपके रामगढ़ बांध बंधा हुआ है। बाणगंगा नदी जयपुर दौसा और भरतपुर में बहते हुए आगरा में यमुना मिल जाती है। बैराट की सभ्यता का जन्म बाणगंगा नदी के किनारे पर हुआ है। तो बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे गंभीरी नदी की। तो सवाई माधोपुर के गंगापुर से इसका उद्गम स्थल होता है। गंभीरी नदी सवाई माधोपुर के गंगापुर से इसका उद्गम स्थल होता है जो कि प्रेजेंट में साथियों गंगापुर को जिला बना दिया गया है। गंभीरी नदी सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर में बहते हुए आगरा के पास यमुना में मिल जाती है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये गंभीरी नदी का उद्गम स्थल आपको गंगापुर ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि गंगापुर पहले सवाई माधोपुर का ही हिस्सा था लेकिन अब गंगापुर को अलग से साथियों जिला बना दिया गया है। गंभीरी नदी सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर में बहते हुए आगरा के पास यमुना में मिल जाती है। अब आपको इसको भूल जाना है, सवाई माधोपुर को। गंभीरी नदी पर करौली जिले में पांचना बांध बना हुआ है। यह मिट्टी से निर्मित भारत का या विश्व का सबसे बड़ा बांध है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केवलादेव के लिए जलापूर्ति की मांग पांचना बांध से की जाती है। महावीर जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी गंभीरी नदी के किनारे पर बना हुआ है। पांचना बांध में गिरने वाली नदियां, तो इनको आपको ध्यान रखना होगा, भद्रावती, माची, अटा, भैंसावर, बरखेड़ा, इनकी ट्रैक है भीम अभी बाजार गया है। भैंसे हो गए आपके भद्रावती, एम से हो गया माची, अटा, भैंसावर, बरखेड़ा, भीम अभी बाजार गया है। आंतरिक प्रभाव वाली नदियों में बात करते हैं काका, मैसा, रूमचू, ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कांतली, कांकने, मेथा, सावी, रूपारेल, गग्गर, चूहड़, सिद्ध, ये सभी आंतरिक प्रवाह की नदी हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है राजस्थान के अंतर्गत आंतरिक प्रवाह की कौन कौन सी नदी है, तो कांतली, कांकने, मेथा, सावी, रूपारेल, गग्गर, चूहड़, सिद्ध। गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। गग्गर नदी वैदिक काल की सरस्वती नदी है। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम हिमालय से होता है। गग्गर नदी बरसात के दिनों में अपना पानी श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ तक ले जाती है। गग्गर नदी को पाकिस्तान में अखरा के नाम से जाना जाता है। यह पाकिस्तान में गड्ढों या पोखरों के रूप में मिलती है। गग्गर नदी को मरत नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? यह राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके उपनामों की बात करें सरस्वती, नट नदी, मरत नदी, अखरा, जो कि पाकिस्तान में इसे कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी गग्गर नदी की संपूर्ण जानकारी। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा साथियों, जहाँ से जाकर आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। काकने नदी उद्गम है जैसलमेर के कोटियारी गांव से होता है। स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद काकने नदी जैसलमेर के कोटियारी गांव से दोबारा से साथियों ये स्लाइड लग गई है। काकने नदी जैसलमेर में बुद्ध झील का निर्माण करती है। तो बुद्ध झील किस नदी पर बनी है? काकने नदी पर। बरसात के दिनों में इस नदी की एक शाखा दूसरी ओर निकलकर मीठा खाड़ी नामक मीठी झील का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट नदी की बात करते कांतली नदी।
तो कांतली नदी उद्गम है सीकर की कंडेला पहाड़ियों से होता है। कांतली नदी से सीकर व झुंझुनू में बहने के बाद चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती हैं। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। कांतली नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान के झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है? वो है कांतली नदी। मेंथा नदी, तो मेंथा की बात करते हैं, इसका उद्गम स्थल होता है मनोहरपुर जयपुर। मेंथा जयपुर और नागौर जिलों में बहते हुए सांवर झील में मिल जाती है। मेंथा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों हमने आपको बता ही दिया है, उद्गम स्थल मनोहरपुर जयपुर। मेंथा जयपुर और नागौर जिलों में बहते हुए सांवर झील में मिल जाती है। सावी नदी की बात करते हैं, सावी नदी का उद्गम स्थल जयपुर की सेवर पहाड़ी से होता है। सावी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। सेवर की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी अलवर में बहती हुई हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो ये हो गई आपकी सावी नदी की बात। इसके बाद रूपारेल नदी, जो कि भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। रूपारेल नदी अलवर जिले से निकलकर अलवर और भरतपुर में बहते हुए आगरा तक जाती है। नौ सभ्यता का विकास रूपारेल नदी के किनारे पर हुआ है। नौ सभ्यता में जाखम बांध यक्ष की मूर्ति तथा गौरैया पक्षी के साक्ष भी मिला है। सॉरी साथियों, नौ सभ्यता में जाखम बाबा और इसके बाद यक्ष की मूर्ति और गौरैया पक्षी के साक्ष भी मिले हैं। तो ये है नौ सभ्यता की साथियों जानकारी, आपको इसको ध्यान रखना होगा। नौ सभ्यता के अंतर्गत जाखम बाबा और यक्ष की मूर्ति और गौरैया पक्षी के साक्ष मिले हैं। इसके बाद राजस्थान की प्रमुख अकादमियों की बात करते हैं और उनकी स्थापना की बात करेंगे। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ पर की गई? जयपुर में 1866 में। विद्या भवन संस्थान उदयपुर में स्थित है 1931 में स्थापना। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर 1950 में स्थापना। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर 1950 में स्थापना। राजस्थान राज्य अभिलेखाकार बीकानेर में 1955 में स्थापना। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 में स्थापना, जोधपुर में स्थित है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर 1957। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर 23 जनवरी 1958। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर 1960। रविंद्र रंगमंच जयपुर 15 अगस्त 1963। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर 15 जुलाई 1969। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर 1 सितंबर 1976 में स्थापना। जयपुर कत्थक केंद्र जयपुर में स्थित है 1978 में स्थापना। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक 1978 में स्थापना की गई। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर 1979 में इसकी स्थापना की गई। तो राजस्थान सिंधी अकादमी की स्थापना जयपुर में 1979 में की गई। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की स्थापना 1981 में की गई। इसके राजस्थानी साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर 25 जनवरी 1983 को इसकी स्थापना की है। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर 19 जनवरी 1986 में इसकी स्थापना की गई। तो आज के वीडियो में साथियों राजस्थान की प्रमुख अकादमी, राजस्थान के प्रमुख बांध और राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, ये सभी बताए जो कि आपकी कंपटीशन की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहाँ से जाकर दोस्तों आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इनमें से एक या दो तीन क्वेश्चन दोस्तों हर प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट पार्ट जीके के लेटेस्ट पार्ट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले पीडीओ का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। तो आपको हमेशा ऐसे ही राजस्थान जीके के छोटे छोटे पार्ट साथियों आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपकी राजस्थान जीके धीरे धीरे चलकर कंप्लीट होती जाएगी मोटे तौर पर।